नमस्कार दर्शक बंधु डिस्कस पॉलिटिक्स रो आउ एक अध्याय को स्वागत करुचि मो सुकान। आज राजनीतिर परिवेश राजनीतिर स्थिति एवं राजनीति कौन है राजनीति गोटे बिजनेस रे परिणत है ना व्यक्तिगत भाव रे लोक मानकर सेवा से विषय आलोचना करने आज आम स्टूडियो अच्छा सालेपुर विकास टांगी सालेपुर विकास मंचर अध्यक्ष तथा सालेपुर स्वाधीन विधायक प्रार्थी भाव जी समस्त सम्मुख आसीथिले श्रीजुक्त विश्वेश्वर स्वाई महोदय तांको आम स्टूडियो को स्वागत करिबा। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। प्रथम टिके आम दर्शक मानको आपनक परिचय संपर्क रे एवं आपनक परिवार एवं आपनक वर्तमान को भली कार्य करछन्ते परिचय दियंतु। नमस्कार, मुसी विश्वेश्वर स्वाई विधायक प्रार्थी तांगी सालेपुर निर्वाचन मंडली। मोर धर्मपत्नी जने समाजसेवी उच्च शिक्षिता एवं उत्कल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मोर छोट कुनी झीटी अच्छी बापा माँ अच्छा टांगी सालेपुर साधारण लोकंर सर्वांगीन उन्नति निम्ते सदा सर्वदा आम जाग्रत भाई काम कर बन्या हो बात्या हो कोरोना महामारी हो एवं ईच एंड एवरी मोमेंट रे आम साधारण लोक रहीचु रही श्रीजुक्त विश्वेश्वर स्वाई महोदय आपको पचार प्रश्न टांगी सालेपुर विकास मंच जरिया तो आप समाज सेवा करुले कि टांगी सालेपुर विकास मंच रु सीधा सड़क आप राजनीति की जम्प कले सेमती कहुए नपड़े जे आप विधायक प्रार्थी हेल्ली सेमती आम कहूनु जे आप आगर पूर्व जातीय कंग्रेस साधारण संपादक थे कटक जिलार ताकूर विजु जनता दल को गले बर्तमान स्वाधीन भाव में विधायक प्रार्थी हेले स्वाधीन भाव में विधायक प्रार्थी हमारे प्रथम कारण कौन है पारे स्वाधीन भाव में कहीं चिंता कले लड़ापी सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा आप पचारे आम मो स्टूडेंट लाइफ रु आम पॉलिटिक्स अच्छु कांग्रेस राजनीति आम आसीलु पॉलिटिक्स रे एवं विजु जनता दल जो जॉइन कलु नवीन बाबू नीति आदर्श को अनुप्राणित होई विजु जनता दल विधिवाद भाव जॉइन करथिलु जेतु टांगी सालेपुर निर्वाचन मंडली दुखी रखी कार्य करने आपण मान देखिथे सदा सर्वदा लोक मानु से विजु जनता दल जेतु गोटे टिकेट जीव एमएलए टिकेट गोटे पार्टी गोटे जन को दब से जेहेतु आम आशायी प्रार्थी थी बाध्य निर्वाचन रणांगन अवतीर्ण हेलु आपण मान को मुझे रखे श्रीजुक्त स्वाई महोदय आपन को गोटे मझे गोटे प्रश्न करी आप गोटे जातीय कांग्रेस भाई गोटे बड़ दल जहाँकि जातीय स्तर में तार ना अच्छे ताकू छाड़ी आप विजु जनता दल को कौन पाई आपण मानक मुझे ओनली फॉर पूर्वतन मुख्यमंत्री ओडिशा जननायक नवीन पट्टनायक नीति आदर्श से अनुप्राणित हो आम बीजेडी दल में जॉइन करूँ अदरवाइज कौन सी आमर लक्ष्य नथिला जेहेतु आमे टांगी सालेपुर नीतिदिन लोक समस्या भितर अच्छु एवं भी रही चुपाई आम बाध्य स्वाधीन रे निर्वाचन रणांगन को लेइथिलु। टांगी सालेपुर विकास मंच वर्तमान समाज रे जो भली भाव रे कार्य करूला आपण टांगी जो कथा आम अलग स्टूडियो यूट्यूब रु देखीचु आम कार्यक्रम आम स्टूडियो भी आम से कथा जनाऊँ टांगी सालेपुर कौन उन्नति आपण कले तथापि आपण को विजु जनता दल टिकेट देलानी यार कारण कौन हो पारे
आपण मानू कह रखे सर्वांगीन उन्नति पाई आज सालेप विज्ञापित अंचल रही स्टूडियो मु सारा ओडिशा मोर निर्वाचन मंडली टांगी सालेप निर्वाचन मंडली समस्त लोक मानू मु कही रखे एनएससी मान्यता जो पाई ए विशेषर स्वाईन अवदान पाई पारु पर्यंत आम कुंडी सिंहता सदृश जहाँ क्राइटेरिया आम सरकार पाखे पहुँचाई पार्लु बोली आज सालेपुर तार पचास वर्षर दाबी विशेषर स्वाई सालेपुर बासी मानू उपहार देखिए कहीं कैबिनेट मंत्री जाइंट कहीं लगातार विधायक होती आज जाए हो पार ना से मुख्यमंत्री मान्यवर मु नवीन पटनायक महोदय को आम अशेष अशेष धन्यवाद जनु एवं आपण मान को मुझे रखे मोर अंचल टांगी ब्लॉक रो तेरह कोटी पंचायत अच्छी से सालेपुर निर्वाचन मंडली रो वाइटल पॉइंट टांगी कारण टांगी रो किसी अंचल ट्राइबल एरिया अच्छी जो ट्राइबल एरिया रे एरिया को एठिकार जे एमएलए होकर निगा रखुना आपण मान देखि बारंबार बारंबार से कलेक्टर महाशय हूँ आरडीसी महाशय हूँ तहसीलदार महोदय हूँ एमती कितर आम नेता मान्यवर मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय को भी आम मान्यवर मुख्यमंत्री तो दीर्घ चौबीस वर्ष भितर मान बेसी तो गुरुत्व दौले आम अन्न्य पछुआ वर्गर लोक मानी एवं आदिवासी हरिजन मानी विभिन्न प्रकार समस्या समाधान करते विभिन्न योजना करते कि आपण कह कथा टांगी सालेपुर जो आदिवासी लोक अच्छे पाखे विकास धारा पहुँच पार्लानी ए प्रकृत दायी किए प्रशासन दायी ना स्थानीय विधायक दायी ना किए दायी ना सरकार दायी किए दायी पारे सरकार समस्त कार्य करें कहते सरकार से प्रत्येक एरिया को रिप्रेजेंटेटिव पठाई एमएलए पठाई मुझे से बहुबार भी कही गोटे पर हाथ में टांगी चौदवार ब्लॉक आम सालेपुर निर्वाचन मंडल सब तेरह कोटी पंचायत बंधा पड़ी टिल से ना आज पर्यटन भी मुझे कहीं जापार ना लोक मान कौन था चिंताधारा रोच लाभ आज भी आपण कनईमपुर कनिमीरा को जीवे लोक पा पा ना लोक आंबुलांस को बाट ना से शिक्षा तो न कहले आज्ञा भल यही लंबा लिस्ट आपको देवी आपण मान मध्यम बहुत बार भी देखी आमर संघर्ष था किमती किप ट्राइबल एरिया लोक से पंचायत मान करंजी हो सपा हो गौरगापुर हो उच्चपता हो ट्राइबल एरिया लोक मैंने किभली मुख्य स्रोत को आसीपर आम को जिते बाधा विघ्न जिते जहाँ पड़ू बद जी विधायक थे सी आम जिते आटाक करूँ कि आम भ्रक्षेप नक लोक मान साधारण आदिवासी मान सेवा कर सेवा करवा मुख्य स्रोत को आसपे जो कथा कहले जो नगड़ा चित्र सब देखी से जो ये पाखा पाई तथापि से माने विधायक प्रति दृष्टि दौना स्थानीय अंचल पानी पा ना जोटा कि ड्रिंक फ्रम टैप मानवर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक तथापि तरी वर्तमान विधायक अच्छा जे कि पुणि थे दी थर विधायक से कौन ये गुड़ा सब दृष्टि दौना टोटाल आज्ञा विधायक लोक मत को आम अस्वीकार करना डेमोक्रेसी जी जीता जीतिला से सिकंदर से आम कौन द्विमत ना लोक मैंने चुनिले से विधायक है किंतु वास्तविक कथा को आम आज जीवा वास्तविक चित्र कौन अच्छी आपण मैंने आज ग्राउंड लेवल को जी टांगी ब्लॉक मुझे
चारिदिन तेज पीडियो कथा होली से कहे सार आम प्रोजेक्ट आरंभ हो गला पा पाई आज्ञा पा के आपण मैंने जा देखु तथापि आपण मान टांगी ब्लक समस्त जनसाधारण मान को आश्वासना दे जाऊँगी विश्वेश्वर स्वाई आपण पाखे सदा सर्वदा जाग्रत पहर बेली रही रही समस्त आपणकर दुख समय विश्वेश्वर स्वाई ठिया ठिया थी कि निर्वाचन पॉलिटिक्स आज्ञा अलग भोट को स्रोत जीव कौन हम से टिप्पणी दे पारि ना कि ट्राइबल एरिया लोक मैंने समस्त मौलिक सुविधा से स्वास्थ्य हो गमनागमन हो शिक्षा हो पानी जल हो समस्त मौलिक सुविधा जब पाई मोर जीवन थी जाए मुझे लड़े ए संघर्ष जारी रखी नहीं ये तो सत्य कथा आप तो निश्चित भाव से पाखे पहुँचे कि जोटा देखा जापन जो कथा कहते जो गोटे नगड़ा चित्र बर्तमान टांगी सालेपुर देखा मानने आप कहते जो कथा जे गोटा वंशानुक्रमिक राजनीति से चली मानने गोटा पर हाथ में संपूर्ण भाव राजनीति बर्तमान टांगी सालेपुर न्यस्त मैंने यूर स्पष्ट बारी हो से कौन राजनीति को व्यवसाय परिणत कले ना जनहितकर कार्य करने आसुच्च कौन यार प्रकृत कथा रही आज्ञा मुझे आपण को भोट्र क्या तेज कौन करेंगे डेमोक्रेसी आम कारी हाथ में कहीं बंधा रख कि तीस वर्ष है गोटे ब्लक बंधा पड़ी आप कहले मुतिपाई आउ टिप्पणी अधिक कि दौनी जेहेतु लोक चुनी आम मानवाक पड़ो मुध्यम अनुरोध करपण मैने से अंचल लोक हो से अंचल जनप्रतिनिधि हो आपण बाबा थे एम एल ए आपण भी दुई थर दुई थर एम एल ए से एरिया उपर निघा दिंतु आम जी निघा दूस आप निघा दिंतु कई टिप्प टिप्पणी दे पारे ना कारण आम आसी से साधारण जनता सेवा करने साधारण जनता भले रे आम मैंने खुशी रहा मोर आम मुझे ये कही रखे मो साधारण लोक जनता सेवक सेवा जिते बड़े दरकार से दिन हूँ राति हूँ राति हजार डाकिले भी मुझे पाखे पहुँचुची तेणु मुपण स्टूडियो ये मन की बात मोर मनर कथा कह सेठिकार जे विधायक महाशय होती आपण मैंने आपण होंगे परिपक्व कारण से आपण चेयरमैन थे दुई दुई थर एम एल ए थे हारी बट कहीं लोक मान असुविधा हम आपण ओके समय आसी समस्या समाधान आपण ही करेंगे आपण को आम विनम्र नवेदन कारण पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बातें रे किए कार शत्रु किए कार मित्र राजनीति फिल्ड आप जेहेतु साधारण लोक विधायक आमर मध्य विधायक आपण भी आपको कही रखे आपण कार्य निघा दे कि प्रथम लोक मैंने सेवा पाई पानी पाइपर शिक्षा पाइपर स्वास्थ्य पाइपर आंबुलांस थी आपण को मु जोर दे कहीदेवी से आंबुलांस कनमीला को जाऊना आप देखिए कनईपुर सफार बांधा को करंजीर आपण हरिपुर को मानने खजरी खजर कि गुण खाइबी मूल रूप पहाज पहाज एत टांगी ब्लक विपर्यस्त अवस्था अच्छी मु गोटे सब गुरुत्वपूर्ण कथा उठाई ये आज सात दिन ते आम मुख्य सालेपुर निर्वाचन मंडली सालेपुर कुआपर छतिया रोड आज संपूर्ण रूपे विपर्यस्त अवस्था पड़ जा कौन करुं ये ठिकादार कौन कर मान्यवर विधायक महोदय जाओ देख सालेपुर आपण टूर्स छतर पर्यटन जी अंटाए अंटाए खाल बर्षा चपे हेल्ले लोक पड़ुं एक्सीडेट होते लोक एसएपी के आसुच्चर भी जड़े हाथ मरीगले श्रीजुक्त स्वयं महोदय ये गोटे प्रश्न पचारे आपण विजु जनता दल सरकार दीर्घ चबीस वर्ष रही से अंचल उन्नति किसी पारा ना वर्तमान सरकार परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान राज्य में सरकार करतेपर बोली आप विश्वास रखी ग्यारंटी आज्ञा मुझे कह रखे
आम स्वाधीन विधायक प्रार्थी विधायक प्रार्थी थी आज्ञा आपण बारंबार जो विजु जनता दल लगौंट कारण जेहेतु मुझ स्वाधीन निर्वाचन लड़ुली टांगी सालेपुर निर्वाचन मंडली प्रथम व्यक्ति जीकि प्रथम विधायक प्रार्थी जीकि विशेश्वर स्वाई मु सरकार को उपरे आस्था प्रकट करी प्रथम दिन निर्वाचन मंडली माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण महाजी को भेटी थी आज्ञा इत्ते खूब सुंदर लोक एभली जगजन्मा को ओडिशा माँ पाई सत नमन मुझे आपम मोहन चरण महाजी महोदय को यही द्वार खोली देखते साधारण जनता से दुखी और दुखी रखी समस्त समस्ते जाए द्वार न्याय पाउचंदी सरकार मुझे कही रखे ओडिशार एवं मो निर्वाचन मंडली भाग्य बदल पार गोटे कथा बर्तमान पचारे आप देखुं बर्तमान जो मुख्यमंत्री अच्छा माननीय मोहन चरण माझी महोदय को जो दीर्घ पचीस वर्ष सरकार थी बर्तमान आप जे साधारण नागरिक जड़े स्वाधीन विधायक प्रार्थी हिसाब से विधानसभा स्थिति आपखे कि ज्ञान रही जो जो भाई भाव में प्रश्न काल को नौकरी गृह मुलतवी कर आशा और विश्वास रही तो निश्चिंत आज्ञा निश्चिंत पूर्ण मेजोरीटी आरकार चल टाइम दरकार समय आवश्यकता अच्छी जहा मुख्यमंत्री महोदय वक्तव्य कही जहाँ आम निर्वाचन इश्तेहार रखिथिलु समस्त पूरण करू सी भी करी सालेपुर निर्वाचन मंडली समस्त जनता तरफ मुझार निवेदन कर अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी कारण से जहाँ बाधा करते पूरण कर समय जहाँ सब असंपूर्ण कार्य संपूर्ण हम बोली आम दृढ़ विश्वास अच्छी धन्यवाद श्रीजुक्त स्वयं महोदय बर्तमान आम कार्यक्रम नहीं जा गोटे छोट विरति मौसुमी वर्षा आरंभ सह जलवाहित रोग जथा डायरिया जंडिस टाइफॉइड आदि व्यापे एथिप्रति सतर्क रुहंतु तटका खाद्य खांतु फुटा पानी किंबा हालोजेन बटिका पड़ीथिबा पानी पियंतु पायखाना व्यवहार करंतु खाइबा पूर्वरु ओ शौच हेबा परे साबुन रे भलभावे हात धोंतु स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा। ब्रेक परे आपण मानक स्वागत करुचे मो सुकान आमर कार्यक्रम डिस्कस पॉलिटिक्स श्रीजुक्त विशेश्वर स्वाई महोदय बर्तमान आपण को पचारिबी जे बर्तमान जो भाई भाव राज्य में निर्वाचन समस्या है विजु जनता दल ये आपड़ जन विजु जनता दल जो कर्मी थे स्वाधीन विधायक होगा पूर्व आप विजु जनता दल कर्मी थे कांग्रेस भी कर्मी थे से बर्तमान विजु जनता दल यही जो परिस्थिति की खसला यार कारण कौन हो पारे मुझे स्वाधीन विधायक थी गोटे अंक कह से अहंकार आज तलितलांत कर अहंकार मनुष्य को तल को कसई दिए से अहंकार ही आज निम्नकामी मोर व्यक्तिगत मत कांग्रेस दल देखा जे किछि किछि ग्रो करुछि एटा केते दूर संभव कांग्रेस आगामी दिन में ओडिशा रे तार स्थिति बजे पारिबो कि ना आपण को व्यक्तिगत मत कोन रहइबो शक्तिशाली लोक जने कांग्रेस रा फाउंडर मेंबर जने
पीसीसी रो दायित्व नेले कांग्रेस बहुत उच्च को जीव बोली मोर व्यक्तिगत मत एथर मत जदि कांग्रेस को ठीक से प्रोत्साहन दि जाता ठीक लोकों पाखे जब चाबुक था डोरी था कांग्रेस आहरी भी आपयुक्त शरद पट्टनायक ठीक लोक नुहत कंग्रेस मंग धरिया कारण आप देखुना कंग्रेस पूर्व कौन थी शरद पट्टनायक पीसीसी सभापति अमल कंग्रेस चौदह सीट पाई तो कहे टिप्पणी दवा ठीक नुहे जेहतु दल ना आम देखी निर्वाचन बेले ना आप दल आप जो व्यक्तिगत और स्वाधीन विधायक हिसाब से आप सब दल समीक्षा कर देखी निर्वाचन बेले मिस्टर पट्टनायक शरद पट्टनायक कौन सी निर्वाचन मंडली जावा आम देखिपारू ना जो आप कहली जड़े शक्तिशाली शक्तिशाली मतलब आप खाली बल नुहे पार्टी चल अर्थ दरकार अर्थ अर्थशाली शक्तिशाली लोक एवं कांग्रेस को कांग्रेस फाउंडर मेम्बर रही थी सी कांग्रेस को नहीं ठीक स्थिति उच्चकामी करें बोली आम जने यंग हिसाब से मु दृढ़ भाव कहीपरि एवं जी से कार्य होता 2024 कांग्रेस मिनिमम 30 जाए सीट चाहता बोली साधारण मत प्रकाश पाँच आपण समर्थक मैंने वर्तमान आपन को कौ भाई भाव में चिंता करते मन दुख करांगी सारे पर जो समर्थक आपणकर कौन कहे मुण मान मध्यम समस्त को भिन्नम प्रणाम जनाऊँगी टांगी सालेपुर निर्वाचन मंडल मोर साधारण जनता भोटर भाई भौणी मान को आपण मानक सांगे ए विशेषर स्वयं कुना आगुरु थिला एबे अच्छी आगु मध्य रही आपण मैने मो सहित दृढ़ समर्थन दे मोर असमय जो ठिया होते आपण मे मु सदा सर्वदा चीर ऋणी रही आपण मान मुझे स्टूडियो कही जाऊँ आपण से दिन हो कि राति मुण मान सेवा जारी रखी टांगी सालेपुर विकास मंच ये गोटे ना देवाई आप कहीं चिंता कले टांगी सालेपुर आपण मान को टे आगर जो कहली टांगी सालेपुर इत्ते समस्या थिला जे आकु आमे दूर करने को हेले गोटे प्लाटफर्म दरकार से प्लाटफर्म आमे तैयारी करितिलु एबे मोर फॉलोअर अच्छा 15,000 आपण मान को कही रखे निश्चित भाव बड़ ग्रुप टांगी सालेपुर विकास मंचर टांगीर आउ सालेपुर समस्त समस्या को नहीं आम लोक मान पाखे किभ पहुँची पारू से प्लाटफर्म या करूँ टांगी सालेपुर विकास मंच से सालेपुर एनएससी प्रतिष्ठा हो जोटा आमर पूरण सालेपुर विभिन्न समस्या हो किभ सालेपुर आतड़ा भारबड़िया अंचल इडकोर सेकेंड आमर इंडस्ट्री सेक्टर गढ़ू तामर लक्ष्य एवं टांगी तहसील प्रतिष्ठा करवा लक्ष्य टांगी गोटे फायर स्टेशन प्रतिष्ठा करवा लक्ष्य एवं गोटे फास्ट ट्रैक कोर्ट टांगी किप खोल ता विकास मंचर अग्राधिकार रही आपण मान को मुझे कही रखे बड़ पदक्षेप आम बहुत जल्दी आम कलेक्टर महाशय को एवं परिवहन मंत्री को भेटी आम प्रतिनिधि दल दाबी जनबूजे टांगी सालेपुर विकास मंच कार्यक्रम ना आप व्यक्तिगत कार्यक्रम टांगी सालेपुर विकास मंच जो चेयरमैन मुझे अच्छा से संगठन ने आम जाऊ जेहेतु आम विधायक लड़ीलु अंचल कार्य करने प्रथम कर्तव्य एवं कर्म जेहेतु मु लोक मान जे साधारण सेवक लोक मैंने जिते बड़े सेवा चाहे पाइबा चिंता करेंगे मुझे सेवा करने को प्रस्तुत जेहेतु मुझे सेवक मु साधारण लोकटे आपण मान को मुझे रखे सबु बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय आम कलेक्टर महोदय
राज्य परिवहन मंत्री विभूति जेना महोदय को आम गोटे कमिटी यही सप्ताह आम भेटी दावी करूँ जे आम डांगी सालेपुर निर्वाचन मंडली अंतर्गत मंगुली तारे एक विराट बड़ ट्रक टर्मिनाल प्रतिष्ठा करने को कारण सरकार पर्याप्त परिमाण जमी किसी मुष्टिमय लोक हाथ में बंधा पड़ी मुकु कर टर्मिनाल प्रतिष्ठा करागले आपण मानक मुझे रखे मंगुली जक छक ओडार गोटे हब से 55 नंबर जातीय राजपथ बाहरी 16 नंबर मुख्य राजपथ दे जा दुईटी राजपथ मिलन स्तर से जब विराट बड़ 10-15-20 एकर संपत्ति से पड़ी रही सरकार गोटे टर्मिनाल प्रतिष्ठा हेले मोर आप देखु हरियंता हो नपंग हो बटीमुंडा हो टांगीर हेडक्वाटर कोड़साई पंचायत हो यही रूप से 10 कोटी पंचायत रु 30,000 पखापाखि लोक से दुकान बजार कर परिवार पोषण करें आज्ञा आम राजनीति आसीचु केवल लोक मान सेवा करने एरिया उन्नति करने एरिया उन्नति ना आज्ञा आमको रात हुए ना आम लोक मान सेवक लोक मान सेवा करवा सर्वप्रथम काम एवं मुझे आउ थे कहीदे जा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर परिवहन मंत्री को जो कमिटी भेटिव आम रिक्वेस्ट करूँ मंगुली छक टर्मिनाल बना जाऊ आ कौन कहे टांगी सारपुरवासी श्रीजुक्त विश्वेश्वर स्वाई अंतर आत्मा जो भाई भाव में कांदुचे टांगी सालेपुर विकास मोर विकास एवं टांगी सालेपुर विकास ना मत रात ठीक से निद हुए कौन कहे टांगी सालेपुरवासी आम स्टूडियो आम टी मध्यम कौन देवाप चाहिए आपण मानक मुंगी सालेपुर निर्वाचन मंडली समस्त जनसाधारण मानक ए टीवी स्टूडियो रो अनुरोध करी कहि दे जाउची आपण माने समस्त जागृत होवंतु मु एकुटिया चाहिले किछि करि परिबे नाही साधारण जनता जोटी तार हक मागिबो सेठी मु हुए विधायक प्रार्थी हुए विधायक होवंतु मंत्री होवंतु सरकार हो समस्त मुंडा नाहीबे सेतिपई आपण मानक मोर विनम्र निवेदन आपण मैंने आगक आसतु आपण मौलिक सुविधा आमको जनातु आम सरकार पाखे थोबू जोटा कि आपण मान सबुद सुख स्वच्छंद चलीपर एवं आपण मान को दुई तीन टी समस्या भितर विषय कह सरकार पाखे भी मुदन करी मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय मनचरण माझी पाखे एत सुंदर मुख्यमंत्री मो ओडिशा पाई से आम गर्व अगर्वित मोर अंचल देखी जगतपुर ठार जो कटक चांदवाली रोड बाहरी डेली मो अंचल लोक आक्सीडेट मृत्युवरण करती मुर्वर भी बहुबार कही आम नेक्स्ट लाइन टी याद केन्द्रापड़ा केनाल पट्टामुंडे केनाल दोहरीकरण कर रास्तार आम कि लोक बाया असुरतर दे केन्द्रापड़ा को बाहर कर दिखे एपटे पाटकुरा कर्धपुर को बाहर कर दिखे मर मान पाखे मुख्यमंत्री को विनम्र नवेदन करी आपण मैने जेतु जलसेचन विभाग मंत्री अच्छा आपण आपण आप तत्काल पदक्षेप नि गोटे दोहरीकरण रोड हेले खैरापल ठार असुरेश्वर पर्यंत आक्सीडेट संपूर्ण रूपे मुझे बाधार सहित आपण मानक रखे संपूर्ण रूपे कमी आक्सीडेट हेब ना मोर अंचलवासी कहीं मरी मृत्यु मुखे पड़पे ना एवं द्वितीय कथाटी आपण मानक कही रखे मोर अंचल भी किसी आईलैंड भितर अच्छी तरित हो पुणा हट हो सुदुकंड हो रटिल हो बड़ बड़ पंचायत से पूरी सेटी बैंकिंग व्यवस्था विपर्यस्त अवस्था अच्छी मु सरकार निवेदन करी
କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କିଂକରଣ ପହଞ୍ଚିବ, ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁକୁ ନା ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କିଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଡ଼ିବ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ସାଲେପୁର ଏକ ଚାଷୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ। ଆମର 1999 ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବହୁଗ୍ରାମ ତାର ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଭାବୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉ ଏବଂ ସାଲେପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହଉ। ତତ୍ସହିତ ସେଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଭାତ ପନିପରିବାର ପେଣ୍ଠ ଜାଗା କଟକ ଛତ୍ରବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ହେଲା, ସେଇ ମୋରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହଉ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ ସହିତ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲର ରାସ୍ତାକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଦୋହରୀକରଣ କରିଦେଲେ ଜଗତପୁରଠୁ ବାୟା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେଇ ଚାରିଲଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପାରଦୀ ବାହିବାକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ, ସେପଟ ଲୋକ ଆରାମରେ ଯାତାୟାତ ଯାଇପାରିବେ, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ତେଲି କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି କହି ରଖେ, ଟାଙ୍ଗୀରେ ତହସିଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି, ଏଇଟା ଆମର ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି, ତହସିଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗ୍ରିଡ଼ ବିଶ୍ୱନାକାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରିଡ଼ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା କରିକି ବି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏ କଥାଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରିବି। ଏ କଥା ପଚାରିବାର କହିବାର ବ୍ରେକ୍ କରିବାର କାରଣ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁରର, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦିଶିନଥିଲା? କାହିଁକି ସେ ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ନେଲେନି ପଦକ୍ଷେପ? ତାଙ୍କର ଅପରିପକ୍ୱତା ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧର ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଅପରିପକ୍ୱତା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସାଲେପୁରରେ ସେ ନୂଆ ଥିଲେ, ଟାଙ୍ଗୀ ସିନା ତାଙ୍କର ଘର, ସାଲେପୁରରେ ସେ ଏତେ ଅତପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅପରିପକ୍ୱତାରୁ ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଆମ ସହିତ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଏ କଥା ବି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, NHIକୁ ଜଣାଇବି, କାରଣ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀରେ। ଆପଣ ପେପର ଖୋଲିଦେବେ ଡେଲି ଟାଙ୍ଗୀରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। NHI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଗରୁ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଟାଙ୍ଗୀରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକର, ସେ ତ ସରକାରଙ୍କର ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଥିବ ଅବସାନ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ। କିପରି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଚ୍ଛା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେଠି ରାସ୍ତା ହେଇଯାଏ ତ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବେ, ଫିର୍ ବି ତା ଦେହରେ ଟାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେ ବି ଉପକୃତ ପାଇବ, ସେ କେବେ ତା ସହିତ କେବେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କେବେ କଲେଣି କି? କେମିତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ ବାହାର ଦେଶରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ଆସିଗଲା, ଆମେ ବିଜି ରହିଲୁ, କଥା ହେଇନାହିଁ, କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବି ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୁହାରି ଜଣାଇବୁ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ସେଥିପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଥମ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, ଟାଙ୍ଗୀରେ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ବିଧାୟକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖେ, କାରଣ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି
ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଧାୟକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ମତ କହୁଛି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଆମକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆମର ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା, ସାଧାରଣ ସେବକ ହିସାବରେ ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ପରିଭଳି କାମ କରି ଆସୁଛୁ, କରୁଥିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠାରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଆମ ପଛପଟେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଲଗାଇଲେ ବି ଆମେ ଥକି ଯିବୁନି କି ଥମି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସାଧାରଣ ସେବକ ଭଳି ଆମେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲୁ, କରି ଆସୁଥିବୁ, ସେଇଭଳି କରୁ ଚାଲିଥିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।